तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा। तो ये लीजिए बेटा, मैंने यहां पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 8 और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करें क्वेश्चन नंबर 8। तो ये लीजिए बेटा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों, अब मेरे साथ में आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत जोरदार क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि पहली बार जब आप लोग इस सवाल को पढ़ेंगे तो पहली बार पढ़ने में तो ये सवाल समझ ही नहीं आता कि आखिर सवाल बोलना क्या चाहता है, हमको यही पल्ले नहीं पड़ता। बहुत जोरदार सवाल है, दो बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ पढ़ो। क्या कह रहे हैं, सी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद जेड इंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इन इंडिया। ब्रॉडली द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर, सवाल कह रहे जी भाई साहब, सी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, इसने एग्रीमेंट एंटर किया है जेड कंपनी के साथ में, और ये जेड कंपनी कहां की है, यूएसए की, ठीक है। और काम ये हो रहा है कि वो हमें मटेरियल हमें भेजेंगे इंडिया में और हम लोग उनको उस मटेरियल को असेंबल करके हम उनको कंप्यूटर बना करके भारत में बेचने का काम करेंगे। ओके, जेड विल प्रोवाइड सी विद किट्स इन अ डिसमेंटल्ड कंडीशन, दीज विल बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इन इंडिया ऑन अ वैल्यू बेसिस, द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एफओबी विल बी 50% देयर ऑफ। सुनना भाई, सुन लेना, सवाल ये कह रहा है जेड जो है वो सी को डिसमेंटल्ड कंडीशन में किट सप्लाई करेगा और फिर हम उस किट का इस्तेमाल करेंगे इंडिया में पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए। ऑन अ वैल्यू बेसिस द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एफओबी प्राइस विल बी 50% देयर ऑफ। और सवाल ये कह रहा है कि अगर वैल्यू बेसिस पे देखा जाए तो बेटा ये कितनी वैल्यू पे दे रहा है हमें, एफओबी प्राइस के 50% पे हम लोगों को दे रहा है। मतलब एक बात को समझो, ये कह रहा है कि जो जेड है यूएसए वाली कंपनी वो हमें डिसमेंटल्ड किट देगी और जो डिसमेंटल्ड किट देगी वो डिसमेंटल्ड किट को हम असेंबल करके यहां पर पर्सनल कंप्यूटर बनाएंगे और पर्सनल कंप्यूटर बनाकर भारत में उस पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग बेच देंगे। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे सुनो। आगे सवाल कह रहा है कि वो जो डिसमेंटल्ड किट है वो डिसमेंटल्ड किट हमें कितने रुपए में देंगे, एफओबी प्राइस के 50% में, ठीक है। सवाल कहता है सी विल प्रोक्योर बैलेंस ऑफ मटेरियल इन इंडिया, और इसका मतलब यह हुआ डिसमेंटल्ड किट के अलावा और भी मटेरियल चाहिए और वो और जो मटेरियल हम लोगों को चाहिए वो हम लोग इंडिया में प्रोक्योर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जेड विल प्रोवाइड सी विद डिजाइन एंड ड्रॉइंग्स इन रिगार्ड टू द मटेरियल एंड सप्लाई टू बी प्रोक्योर्ड इन इंडिया। सवाल कहता है जेड जो है वो सी को बताएगा, मटेरियल्स के डिजाइन देगा, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन देगा जो कि उन्हें भारत में खरीदने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि रॉ मटेरियल भारत में खरीदेगा कौन, सी, लेकिन कैसा रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, किस स्पेसिफिकेशन का खरीदना है, वो डिजाइन और ड्रॉइंग की जो डिटेल है वो कौन देगा, जेड। अच्छा, फॉर दिस सी विल पे जेड अ टेक्नोलॉजी फीस ऑफ ₹3 करोड़। और सवाल कहता है इस सहायता के लिए सी जो है वो जेड को पे करेगा कितना, ₹3 करोड़ टेक्नोलॉजी फीस, ठीक है भाई साहब। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, मैं जेड को दो चीजें दे रहा हूं, एक तो मैं एफओबी मतलब एक तो वो डिसमेंटल्ड किट के पैसे दे रहा हूं और डिसमेंटल्ड किट के पैसे कितने दे रहा हूं, उसकी एफओबी प्राइस के 50% के बराबर, और साथ में बेटा मैं जेड को टेक्नोलॉजी फीस भी पे कर रहा हूं ₹3 करोड़ की। ओके, ये जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसे ध्यान से सुन लो। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जिस लाइन को लेकर के मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन सुपर डुपर से ऊपर है, यही वो लाइन है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। दोस्तों ये जो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप लाइन को ध्यान से पढ़ो, जेड विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू अ रॉयल्टी। मतलब देखो जेड अपने से क्या ले रहा है, डिसमेंटल्ड किट के पैसे जो कि एफओबी प्राइस का 50% है, टेक्नोलॉजी फीस ले रहा है 3 करोड़ की, उसके अलावा वो हमसे रॉयल्टी भी ले रहा है, कितनी, सुनना, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, पढ़ते जाना, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस भाई, 10%
ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके आगे पढ़ो क्या लिखा है, ऑफ द कंप्यूटर फिक्स्ड फॉर सेल इन इंडिया, ठीक है, 10% ऑफ द सेल प्राइस ऑफ कंप्यूटर फिक्स्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में जितने रुपए में आप कंप्यूटर बेचने वाले हो उस सेलिंग प्राइस का 10% नहीं, आगे पढ़ो, एज सेलिंग प्राइस एज रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया। और साथ ये बोल रहा है कि ये जो 10% कमीशन मिलेगा ये 10% कमीशन सेलिंग प्राइस का नहीं मिलेगा, सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया, मतलब आपने जितने स्टैंडर्ड आइटम्स इंडिया में प्रोक्योर किए हैं उनकी कॉस्ट। अब मेरी बात को सुनना, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया की कॉस्ट को लेस कर दो। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे भारत में हम लोग बहुत सारे तरह का मटेरियल खरीद रहे, उस मटेरियल में से जो स्टैंडर्ड वाला मटेरियल है उस स्टैंडर्ड वाले मटेरियल की कॉस्ट को आप सेलिंग प्राइस में से लेस कर दो। अच्छा आगे सुनो, आगे कह रहे हैं एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स फ्रॉम जेड, और ये कह रहा है कि जो इम्पोर्टेड किट जेड से आया है उसकी कॉस्ट को भी माइनस करना है। लो भाई, जो इम्पोर्टेड किट, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट, जो इम्पोर्टेड किट हमारे पास आया है जेड से, उस इम्पोर्टेड किट की कॉस्ट को भी आपको लेस करना है। और बेटा फिर जो अमाउंट बचेगा उसका 10% आपको रॉयल्टी देनी है। दोस्तों इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, सवाल कर रहा है जेड विल ऑल्सो बी एंटाइटल टू आर रॉयल्टी एट 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर फिक्स्ड फॉर सेल इन इंडिया एज रिड्यूस्ड बाय कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया एंड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट फ्रॉम जेड। तो ये कह रहा है कि बेटा जो हमारी सेलिंग प्राइस है उस सेलिंग प्राइस में से हमें दो चीजें माइनस करनी है, स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया और कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट फ्रॉम जेड। तो जेड से जो इम्पोर्टेड किट आया उसकी जो कॉस्ट है वो ये अपने को यहां पे लेस करनी है, और ऐसा करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 10% अपने को रॉयल्टी देनी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जेड विल फर्निश, सी विल फर्निश टू जेड डिटेल्ड क्वार्टरली रिटर्न्स। ओके ये कोई खास बात नहीं। आगे सवाल करा है, एफओबी प्राइस एग्रीड $510, एक्सचेंज रेट टू बी अडॉप्टेड $1 इज इक्वल्स टू 47.059, ठीक है, कस्टम ड्यूटी इज लेवियबल इज 150% ऑफ सीआईएफ प्राइसेस। जो कस्टम ड्यूटी है वो सीआईएफ प्राइस, सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो जो कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट है उसके 150% के बराबर हमारी कस्टम ड्यूटी लग रही है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, कस्टम ड्यूटी हमेशा एफओबी प्राइस पे ही लगती है, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो मैं कस्टम ड्यूटी एफओबी प्राइस पे ही चार्ज करता, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहां पे कस्टम ड्यूटी सीआईएफ पे लग रही है, मतलब कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट पे लग रही है, तो मैं यहां पे कस्टम ड्यूटी सीआईएफ वैल्यू का 150% लूंगा। वैसे दोस्तों एक बात मैं तुमको बताऊं कि इंश्योरेंस एंड फ्रेट के पैसों पर कभी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए जो हमारा कस्टम ड्यूटी लगती है वो हमेशा एफओबी प्राइस पे लगती है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस पे लगती है, इंश्योरेंस और फ्रेट के पैसों पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। लेकिन सवाल कह रहा है नहीं जी नहीं, यहां पर इस सवाल में आपको ये मान के चल रहा है कि कस्टम ड्यूटी 150% लग रही है, और 150% किसका, सीआईएफ प्राइस का, मतलब कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट पे लग रही है, मतलब ये जो मेरा भाई है ना ये इंश्योरेंस और फ्रेट पे भी कस्टम ड्यूटी लगा रहा है जबकि असल में लगती नहीं है। अगर ये सवाल कुछ ना कहता तो मैं एफओबी पे ही 150% कैलकुलेट करता, लेकिन क्योंकि इसने बोल दिया तो मुझे यहां पे सीआईएफ प्राइस का 150% करना पड़ेगा। सवाल कहता है बट एज अ कंसेशन एक्चुअल रेट लेवियबल इज फिक्स्ड एट 30% ऑफ सीआईएफ। लेकिन भाई सरकार ने हमें कुछ कंसेशन दिया है और सरकार ने हमें कंसेशन देके कहा कि चलो कोई बात नहीं, दुनिया के ऊपर 150% लगता है, तुम तो 30% ही देना।
तो भाई एक बात समझो, अगर मेरे ऊपर लग कितनी रही है, 150% की 30%, सर 30% लग रही है किसका, एफओबी का कि सीआईएफ का, सर सीआईएफ का। तो दोस्तों यहां पे 150% की रेट चार्जेबल है, लेकिन भैया हमारे ऊपर 30% लग रही है, तो भाई मैं तो अपनी कैलकुलेशन में 30% ही शामिल करूंगा। ओके, सवाल कह रहे टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक्सपायर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ 2 लाख कंप्यूटर्स। सवाल कह रहा वो जो ऊपर आपने 3 करोड़ रुपए की जो आपने टेक्नोलॉजी फीस पे की है, वो 3 करोड़ की टेक्नोलॉजी फीस 2 लाख कंप्यूटर बनाने पर एक्सपायर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख कंप्यूटर बनाने पर ये 3 करोड़ की टेक्नोलॉजी फीस का जो एग्रीमेंट है ये खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने 2 लाख कंप्यूटर बनाने के लिए 3 करोड़ की टेक्नोलॉजी फीस दी है, और 2 लाख कंप्यूटर बनाने के लिए अगर 3 करोड़ की टेक्नोलॉजी फीस दी है, इसका मतलब एक कंप्यूटर के लिए मैंने 150 रुपए की टेक्नोलॉजी फीस का पेमेंट किया है। ठीक है, आगे सुनो। कोटेड प्राइस ऑन किट इंक्लूड अ 20% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू जेड। सवाल कह रहा है ये जो इंपोर्टेड किट है, इस इंपोर्टेड किट की जो प्राइस हमें कोट की गई है, और बेटा हमें प्राइस कितनी कोट की गई है, एफओबी का 50%। तो बेटा हमें प्राइस जो इंपोर्टेड किट की प्राइस कोट की गई है वो एफओबी का 50% है, और सवाल ये कह रहा है कि वो जो इंपोर्टेड किट की प्राइस आपको कोट की गई है उस प्राइस के अंदर 20% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, और मेरे बच्चों वो 20% प्रॉफिट किसका है, कॉस्ट का। अब बच्चे बोलते हैं सर ये जानकारी क्या काम आनी है, अरे बेटा भूल गए, यहां पर तुम्हें रॉयल्टी कैसे निकालनी है, रॉयल्टी तुम्हें निकालनी है सेलिंग प्राइस में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया, मतलब भारत में तुमने जो स्टैंडर्ड आइटम प्रोक्योर किए हैं उनकी कॉस्ट माइनस आपको करना है कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड किट फ्रॉम जेड। अब आपके पास इंपोर्टेड किट फ्रॉम जेड जो है उसकी आपके पास सेलिंग प्राइस है, उसकी आपके पास परचेज प्राइस है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको लेस क्या करनी है, कॉस्ट। और वो कॉस्ट निकालने के लिए आपको यहां पे बताया जा रहा है कि इंपोर्टेड किट की जो प्राइस आपको कोट की गई है, एफओबी प्राइस नहीं, जो प्राइस आपको कोट की गई है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है कॉस्ट का 20%। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुने, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अब सुनना, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई टू बी ऑब्टेन्ड इन इंडिया विल बी 140% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड। सवाल कह रहा है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई जो हमें इंडिया में लेनी है वो बेटा 140% है ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड, मतलब जो डिसमेंटल्ड किट जेड के द्वारा बनाया गया है उसकी कॉस्ट के 140% के बराबर हम लोग मटेरियल और सप्लाई जो है वो हम लोग ऑप्टेन करेंगे इंडिया में। ठीक है, सुनना, 48% ऑफ द वैल्यू इन रुपीज लोकली ऑफ द लोकली प्रोक्योर्ड गुड्स रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स। और सवाल कह रहा है जितना भी मटेरियल आप इंडिया में परचेज कर रहे हो उसके 48% के बराबर हमारा क्या है, स्टैंडर्ड आइटम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ असेंबली एंड अदर ओवरहेड्स इन इंडिया विल बी रुपीज 2000 पर कंप्यूटर। बेटा असेंबल करने का और बाकी का जो ओवरहेड का खर्चा है वो कितना है, 2000 पर पर्सनल कंप्यूटर। और बेटा फ्रेट एंड इंश्योरेंस अपने को दे रखा है 500 पर किट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो सवाल, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इन इंडिया बियरिंग इन माइंड दैट सी हैज टारगेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू इटसेल्फ ऑन द सेलिंग प्राइस। सवाल ये कह रहा है बताइए हम इंडिया में पर्सनल कंप्यूटर की सेलिंग प्राइस क्या रखें, सेलिंग प्राइस क्या रखें कि हमें सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट हो जाए। ठीक, तो दोस्तों यहां पर मुझे कैलकुलेट करके बताना है ये वाली बात। तो दोस्तों सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़े जाने की जरूरत है। दोस्तों मैं आपकी सहायता के लिए यहां पर मैं एक एनालिसिस तैयार कर रहा हूं और प्लीज आप लोग इस एनालिसिस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एनालिसिस है यही इस सवाल को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों थोड़ी देर के लिए अपन ये
काउंट करना शुरू करते हैं कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, जो ये पीसी हम लोग बना रहे हैं, इस पीसी को बनाने में आखिर जो हमारी कॉस्ट है वो क्या क्या लग रही है, एक बार हम वो कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो लीजिए बेटा मेरे साथ में सबसे पहले बात देखें। ये बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सबसे पहला जो खर्चा हमारा लग रहा है वो डिसमेंटल्ड किट का है? हां जी, वो डिसमेंटल्ड किट का है, हां कि ना? अब डिसमेंटल्ड किट पे हमारा खर्चा कितना लग रहा है एक बार उसको समझो। सबसे पहला ये डिसमेंटल्ड किट हमें एफओबी प्राइस के 50% पे मिल रहा है, क्या ये बात ठीक है? मतलब जितनी एफओबी प्राइस है उस एफओबी प्राइस के 50% पे मेरे को ये डिसमेंटल्ड किट मिल रहा है, क्या ये बात ठीक है? हां सर ये बात ठीक है। नंबर दो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस लग रहा है कितना? 500 पर यूनिट। बेटा सवाल की आखिरी लाइन में दे रखा है कि आपका जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा लग रहा है वो 500 पर डिसमेंटल्ड किट का लग रहा है। उसके अलावा बेटा कस्टम ड्यूटी लग रही है, और कस्टम्स ड्यूटी कितनी लग रही है? वो हमारी लग रही है 30% ऑफ CIF। तो बेटा मेरी जो कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर लग रही है वो कस्टम ड्यूटी लग रही है कितनी? CIF के 30% के बराबर। अब सवाल ने हमें बोला था कि वैसे तो कस्टम ड्यूटी लगती है CIF के 150% के बराबर, बट एज अ कंसेशन हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटी लग रही है कितनी? CIF के 30% के बराबर, वो भी डिसमेंटल्ड किट की कॉस्ट है। बिल्कुल सर। नंबर दो, दूसरी बात बेटा, इसके अलावा दूसरा जो हमारे ऊपर खर्चा लग रहा है वो लग रहा है टेक्नोलॉजी फीस का। टेक्नोलॉजी फीस का, और बेटा टेक्नोलॉजी फीस का खर्चा हमारे ऊपर लग रहा है कितना? 3 करोड़, और वो भी कितने? फॉर 2 लाख PC। मतलब बेटा ये जो टेक्नोलॉजी फीस है ये 3 करोड़ रुपए की है, और सवाल कह रहा है ये 3 करोड़ की टेक्नोलॉजी फीस देकर आपको 2 लाख कंप्यूटर बनाने का अधिकार मिला है। ओके, इसके अलावा दोस्तों तीसरा खर्चा जो हमारा लग रहा है वो तीसरा खर्चा हमारा लग रहा है किसका? रॉयल्टी का। तो लीजिए बेटा तीसरा जो खर्चा हमारा लग रहा है वो तीसरा खर्चा बेटा हमारा लग रहा है रॉयल्टी का। अब आप लोग बोलेंगे सर रॉयल्टी कितनी? जरा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना बेटा, सुनो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस सवाल में अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो वो कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इस रॉयल्टी वाली बात में। सवाल ने कहा रॉयल्टी कितनी आपको देनी है? सर आपको रॉयल्टी देनी है 10%। 10% किसका? किसका? जिस सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया का। आप अपनी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स जो आपने इंडिया में खरीदे, और आपको मालूम है जो आपने इंडिया में माल खरीदा उसका 48% स्टैंडर्ड आइटम्स है, तो सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड आइटम्स की कॉस्ट घटा दो माइनस कॉस्ट ऑफ किट, ध्यान से सुनो, फ्रॉम जेड, मतलब जेड से जो किट आया है उसकी कॉस्ट को भी माइनस कर दो, तो जेड से जो इंपोर्टेड किट आया है उसकी कॉस्ट को माइनस कर दो। मैं चाहूंगा आप इस फ्रॉम शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आगे चल के इस फ्रॉम शब्द से बड़ा खेल होने वाला है। ये जो फ्रॉम शब्द है ना, यही इस सवाल की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इस पे ध्यान देना। सवाल कहता है कॉस्ट ऑफ किट फ्रॉम जेड, मतलब जेड से जो इंपोर्टेड किट आया उसकी कॉस्ट भी माइनस करेंगे, और बेटा सेलिंग प्राइस में से ये दोनों माइनस कर देंगे, और ये दोनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 10% मेरे को रॉयल्टी देनी है। ओके सर। सर इस रॉयल्टी के बाद में फिर अगला खर्चा आपका क्या लग रहा है? सर अगला खर्चा जो है
वो हमारा लग रहा है, रॉ मटेरियल परचेज्ड इन इंडिया का, रॉ मटेरियल परचेज्ड इन इंडिया का। अब सुनना ये पॉइंट है जोरदार। अब सवाल कह रहा है हमने कुछ रॉ मटेरियल, कुछ आइटम हमने इंडिया में भी परचेज किए हैं। अब इंडिया में हमने कितने परचेज किए, जरा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, सुनो। ये सवाल कह रहा है आपने भारत में जो मटेरियल खरीदा, दैट इज उसकी कॉस्ट है 140% ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड। अब ये कह रहा है कि जो हमने रॉ मटेरियल इंडिया में परचेज किया वो इंडिया में कितना परचेज किया, जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड है उसका 140%, कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड का 140%। अब फर्क समझो बेटा, यहां पे क्या है कॉस्ट ऑफ किट फ्रॉम जेड और यहां पर है कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड। तो यहां पे जेड के द्वारा बनाने की कॉस्ट की बात हो रही है और यहां पे जेड के द्वारा बेचे गए डिसमेंटल्ड कॉस्ट की बात हो रही है। तो बेटा यहां फ्रॉम है कि मतलब जेड से जो डिसमेंटल्ड किट आया उसकी कॉस्ट, और यहां पर है जेड ने जो सप्लाई बनाई उसकी कॉस्ट। दोनों में बहुत फर्क है, फर्क क्या भी समझेंगे। और सवाल में बेटा साथ में ये भी कहा कि ये जो आपने रॉ मटेरियल इंडिया में परचेज किया है, ये जो आपने रॉ मटेरियल इंडिया में परचेज किया है इसके 48%, इसका 48% स्टैंडर्ड आइटम से, मतलब आपने कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड के 140% के बराबर आपने इतने रुपए का मटेरियल भारत में खरीदा, और ये जो रॉ मटेरियल आपने भारत में खरीदा इसके 48% के बराबर आपके स्टैंडर्ड आइटम्स हैं। तो उसमें 48% जो है वो स्टैंडर्ड आइटम्स हैं। और बेटा फिर आगे क्या बोलता है, आखिरी खर्चा, आखिरी खर्चा सवाल बता रहा है असेंबलिंग का, और सवाल कहता है इस कंप्यूटर को असेंबल करने में पैसा लगा। और बेटा सवाल ये कह रहा है इस कंप्यूटर को, पर्सनल कंप्यूटर को असेंबल करने में कितने पैसे लगे, 2000। तो ये लीजिए बेटा, इस कंप्यूटर को असेंबल करने में हमें 2000 रुपए लगे। तो बेटा इस पर्सनल कंप्यूटर को बनाने में ये खर्चे लगे हैं, ये 5 खर्चे लगे। और सवाल कह रहा है कि भाई साहब हमें एक ऐसी सेलिंग प्राइस बताओ जिस सेलिंग प्राइस पे हमें 20% प्रॉफिट हो जाए। आप जरा सुनना, अगर मुझे सेल्स का 20% प्रॉफिट कमाना है, दैट मींस मुझे कॉस्ट का 25% प्रॉफिट कमाना है। पक्की बात है। अब दोस्तों यहां पे मैं अपनी कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़कर सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं, लेकिन कॉस्ट निकालने के लिए मुझे चाहिए रॉयल्टी, और रॉयल्टी निकालने के लिए, और बेटा जी रॉयल्टी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। देख रहे हो। तो दोस्तों अगर मैं कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ दूं तो सेलिंग प्राइस आएगी, और मैं ये कह रहा हूं कि कॉस्ट निकालने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस के बिना रॉयल्टी का खर्चा नहीं निकलेगा। तो रॉयल्टी का खर्चा निकालने के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए इंक्लूडिंग रॉयल्टी। तो बेटा क्या ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर लूप बन गया है? और बेटा अगर ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर लूप बन गया है तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, इस लूप के केस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा एक्स मानकर। तो आप तो जानते बेटा जहां पर इंफॉर्मेशन एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाती है वहां पर अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है, और इक्वेशन का सहारा लेंगे तो इक्वेशन का सहारा लेने के लिए मैं यहां पे सेलिंग प्राइस को क्या मान लूंगा, एक्स। ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि मैं पहले एक एक इंडिविजुअल को सॉल्व करूंगा, और इंडिविजुअल को सॉल्व करने के बाद फिर मैं पूरे सवाल को सॉल्व करने पर आऊंगा। लेकिन हां हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं मानूंगा लेट सेलिंग प्राइस पर पीसी इज इक्वल्स टू एक्स।
तो मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मानूंगा कि मेरी सेलिंग प्राइस पर पीसी एक्स रुपए की है, और ऐसा मुझे इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि रॉयल्टी के बिना सेलिंग प्राइस नहीं निकलेगी और सेलिंग प्राइस के बिना रॉयल्टी नहीं निकलेगी। तो क्योंकि यहां पे लूप बन गया तो एक्स मानना ही पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दोस्तों मेरे साथ में आप लोग वर्किंग नोट नंबर 2 पर आ जाइए, और दोस्तों ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, अब वर्किंग नोट नंबर 2 पर आ जाइए, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला करेंगे कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट फ्रॉम जेड। अब आप ध्यान से सुनिए बेटा, लैंग्वेज के फर्क को पकड़िएगा। मैंने यहां पे लिखा कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट फ्रॉम जेड। अच्छा तो आप मुझे बताइए, सबसे पहला बेटा हमें एफओबी प्राइस देनी पड़ेगी, कितना बेटा? हमारी एफओबी प्राइस 510 है, पर हमें एफओबी प्राइस के 50% पे माल मिल रहा है, तो हमारे लिए तो एफओबी प्राइस $255 हो गई। और बेटा $1.4705 का है, तो ये लीजिए बेटा 510 इंटू 50% इंटू 47.059, तो लीजिए बेटा ये मुझे मिल रहा है ₹12,000 का। तो बेटा मैंने डॉलर को रुपीज में भी कन्वर्ट करके ले लिया, प्लस बेटा जो हमारा फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा लग रहा है वो लग रहा है ₹500 एक किट पर। तो ये लीजिए बेटा मैंने ₹500 भी जोड़ लिया, और ₹500 को जोड़ने पर अब मेरे पास आ जाएगी सीआईएफ वैल्यू 12,500। बेटा सीआईएफ वैल्यू का मतलब हो गया कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है बेटा? वैसे तो कस्टम ड्यूटी सीआईएफ प्राइस का 150% लगता है, लेकिन किसी कंसेशन के तहत हमारे ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लग रही है वो 30% लग रही है। तो लीजिए बेटा 30% कस्टम ड्यूटी हो जाएगी 3750। और बेटा अगर इसे हम लोग यहां पे जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट फ्रॉम जेड। तो ये लीजिए बेटा मेरे पास में जेड से जो डिसमेंटल्ड किट आया, उस डिसमेंटल्ड किट की जो कॉस्ट है वो 16,250 है। मेरे पास जेड से जो डिसमेंटल्ड किट आया, उस डिसमेंटल्ड किट की कॉस्ट मेरे लिए ₹16,250 है। अब फर्क समझना, एक जगह पे तो इन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट फ्रॉम जेड, और बेटा एक जगह इन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट मेड बाय जेड। अब आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पे एक जगह पे मुझे बोला गया है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट फ्रॉम जेड, मतलब जेड से जो डिसमेंटल्ड किट आया उसकी कॉस्ट 16,250। लेकिन अब यहां पे इस जगह पे देखो, यहां पे इस जगह पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड, मतलब जेड ने जो डिसमेंटल्ड किट बनाया उसे बनाने की कॉस्ट वो बताओ। तो कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड, तो यहां पे बेटा जेड के द्वारा बनाई गई सप्लाई की कॉस्ट की बात हो रही है। इसका मतलब यहां पे जेड की कॉस्ट की बात हो रही है, ना कि मेरी। यहां मेरी कॉस्ट की बात नहीं हो रही, यहां जेड की कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है सर? अब जरा ध्यान से सुनना, जेड ने मुझे ये डिसमेंटल्ड किट 12,000 में बेचा, जेड ने मुझे ये डिसमेंटल्ड किट 12,000 में बेचा है, पक्की बात? अब सुनो सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि बेटा यहां पे द कोटेड प्राइस ऑन किट्स इंक्लूड 20% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू जेड। सवाल कहता है जेड ने जो प्राइस आपको कोट की है 12,000 की,
उस 12,000 में 20% प्रॉफिट इंक्लूडेड है कॉस्ट का, और कॉस्ट भी किसकी, जेड की। तो इस 12,000 में जेड की कॉस्ट का 20% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो आप मुझे बताइए, अगर जेड की कॉस्ट 100 रुपए की है तो जेड का प्रॉफिट 20 रुपए का है, तो जेड की सेलिंग प्राइस 120 रुपए की है। दोस्तों, अगर जेड की सेलिंग प्राइस 120 रुपए की है तो जेड की कॉस्ट है 100 रुपए की, जेड की सेलिंग प्राइस है 12,000 की, तो बेटा जेड की कॉस्ट कितनी है, 10,000 की। तो बेटा फर्क समझो, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट फ्रॉम जेड, मतलब जेड से जो डिसमेंटल्ड किट आया उसकी कॉस्ट, मतलब यहां पर मेरी कॉस्ट की बात हो रही है, लेकिन जब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड की बात हो रही है, मतलब जेड के द्वारा इस सप्लाई को बनाने की कॉस्ट की बात हो रही है। मतलब यहां पर किसकी कॉस्ट की बात हो रही है, जेड की कॉस्ट की बात हो रही है। तो बेटा यहां पे मैंने डिसमेंटल्ड किट की जो कॉस्ट निकाली वो मेरी कॉस्ट है, लेकिन यहां जो मैंने 10,000 कॉस्ट निकाली वो जेड की बनाने की कॉस्ट है। ठीक, तो सवाल में मैं आपको बता दूं, इस पूरे सवाल में इस फ्रॉम और मेड, बस इन्हीं दो चीजों का मेन फर्क है, यही इस सवाल की मेन कॉम्प्लिकेशन है। तो दोस्तों, यहां कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड किट फ्रॉम जेड है, और वहां पे है कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड, वहां जेड की कॉस्ट की बात है, यहां मेरी कॉस्ट की बात है, बस इतना फर्क है। अब जरा सुनो, सवाल ये कह रहा है, अब डिसमेंटल्ड किट की बात हो गई, अब जरा टेक्नोलॉजी फीस की बात कर लें। वर्किंग नोट नंबर 4, टेक्नोलॉजी फीस पर पीसी। बेटा मैंने टेक्नोलॉजी फीस पे की है 3 करोड़ की, और इस 3 करोड़ की टेक्नोलॉजी फीस को देकर हमें 2,00,000 कंप्यूटर बनाने का अधिकार मिला। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक पीसी बनाने के लिए मेरे को 150 रुपए की टेक्नोलॉजी फीस का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक, नंबर वर्किंग नोट नंबर 5। अब बेटा यहां पे अगली बात आती है रॉयल्टी की, पर मैं रॉयल्टी वाली बात को अभी बाद में करूंगा, पहले मैं अगली बात को करता हूं। रॉ मटेरियल परचेज्ड इन इंडिया को, अगर आप मुझसे पूछें रॉ मटेरियल परचेज्ड इन इंडिया कितना, अब सुनो, सवाल ने बोला था कि हमने भारत में जो मटेरियल खरीदा है वो कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड का 140% है। लीजिए बेटा, कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड 10,000 है, इसके 140% के बराबर, मतलब मैंने 14,000 रुपए का मटेरियल इंडिया में परचेज किया है, मैंने 14,000 का मटेरियल इंडिया में परचेज किया। अच्छा, अब ये बताओ, स्टैंडर्ड आइटम्स परचेस्ड इन इंडिया कितने? तो सवाल ने कहा था कि आपने इंडिया में जितना भी मटेरियल खरीदा उसके 48% के बराबर स्टैंडर्ड आइटम्स हैं। तो लीजिए बेटा, स्टैंडर्ड आइटम्स की कॉस्ट हो गई 6720। तो बेटा सवाल ने बोला था जितने रुपए का मटेरियल आपने इंडिया में खरीदा उसके 48% के बराबर स्टैंडर्ड आइटम्स हैं। ये देख लो, आपने जितने का मटेरियल इंडिया में खरीदा उसके 48% के बराबर स्टैंडर्ड आइटम्स हैं, मतलब उसमें 48% स्टैंडर्ड आइटम्स हैं। तो लीजिए बेटा, उसमें 48% स्टैंडर्ड आइटम्स हैं, और बेटा उन 48% स्टैंडर्ड आइटम्स की कॉस्ट मैंने निकाली 6720। ठीक है, आगे देखो, अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 6 पे। बेटा असेंबली कॉस्ट मुझे ऑलरेडी पर पीसी दे रखी है 2,000 रुपए, उसमें मेरे कुछ कैलकुलेट करने लायक चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों अब आ जाऊं रॉयल्टी पर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल कहता है रॉयल्टी कितनी है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। रॉयल्टी कितनी देनी है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस एज रिड्यूस्ड बाय
कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स, ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट फ्रॉम जेड, तो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट फ्रॉम जेड 16250। तो लीजिए बेटा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम और कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड किट फ्रॉम जेड लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 10% अपने को रॉयल्टी देनी है। तो बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरा रॉयल्टी का खर्चा हो जाएगा 0.10x माइनस 6720 और 16250 का 10% 2297। तो बेटा हमारी रॉयल्टी हो जाएगी 0.10x माइनस 2297। ठीक। अच्छा, एक और लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आप प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए। ये बताओ, अगर मेरी सेलिंग प्राइस पर पीसी अगर एक्स रुपए की है और मैं अपनी सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो अगर मेरी सेलिंग प्राइस पर पीसी एक्स रुपए की है और मैं अपनी सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो क्या मेरा प्रॉफिट 0.20x है? यस सर। और बेटा अगर सेलिंग प्राइस एक्स है और प्रॉफिट 0.20x है, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कॉस्ट 0.80x है? अरे भाई सिंपल सी बात है यार, अगर सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस का बाकी 80% क्या है? कॉस्ट। हां कि ना? चलो, अब अगर ऐसा है तो ये लीजिए बेटा, अब ये सवाल बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व होगा, अब ये सवाल बिल्कुल आराम से सॉल्व होगा, अब इस सवाल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुनो, सबसे पहला अब आपको यहां पे कॉस्ट बतानी है। बेटा डिसमेंटल्ड किट की कॉस्ट है 16250। सबसे पहले डिसमेंटल्ड किट की कॉस्ट ले लो और डिसमेंटल्ड किट की कॉस्ट है 16250। ओके, प्लस टेक्नोलॉजी फीस लगेगी 150 रुपए की। सवाल पढ़ते जाओ आराम से और सवाल को पढ़ते पढ़ते देखते जाओ, टेक्नोलॉजी फीस लगेगी 150 रुपए एक कंप्यूटर पे। रॉयल्टी का खर्चा लगने वाला है 0.10x माइनस 2297। तो लीजिए बेटा, मैंने डिसमेंटल्ड किट की कॉस्ट भी ले ली, टेक्नोलॉजी फीस भी ले ली और मैंने रॉयल्टी का खर्चा भी ले लिया। चलो, अब रॉयल्टी के खर्चे के बाद आपने इंडिया में टोटल रॉ मटेरियल खरीदा है 14000 का। अब ध्यान रखना, इस 14000 में ही स्टैंडर्ड आइटम इंक्लूडेड है 48%, वो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने इंडिया में टोटल रॉ मटेरियल परचेज किया कितने का? 14000 का, मैंने वो भी ले लिया। ओके, इसके अलावा बेटा असेंबलिंग का खर्चा लगा 2000 रुपए और वो असेंबल करने का खर्चा जो 2000 का है मैंने वो भी ले लिया। तो बेटा मैंने डिसमेंटल्ड किट की कॉस्ट भी ले ली, मैंने टेक्नोलॉजी फीस भी ले ली, मैंने रॉयल्टी का खर्चा भी ले लिया, मैंने इंडिया में प्रोक्योर किया हुआ मटेरियल भी ले लिया और मैंने असेंबली के 2000 रुपए भी ले लिए। और बेटा ये सारा का सारा खर्चा मिलाकर, ये पूरी की पूरी कॉस्ट मिलाकर किसके बराबर है? 0.8x के बराबर। अगर मेरी सेलिंग प्राइस है एक्स रुपए की और 20% मेरा प्रॉफिट है तो कॉस्ट क्या है? 0.8x। तो ये मेरी एक पीसी की टोटल कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? 0.8x के बराबर। तो सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा 16250 प्लस 150 माइनस 2297 प्लस 16000, तो ये आ गया 30103 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.70x, तो आएगा x इज इक्वल्स टू 43004।
या राउंड फिगर में बोले तो 43,000। तो बेटा एक्स मैंने मानी थी सेलिंग प्राइस, तो ये लीजिए बेटा आपकी सेलिंग प्राइस पर पीसी आपका 43,000 आ गया। आपकी सेलिंग प्राइस पर पीसी 43,000 आ रहा है। अच्छा दोस्तों आगे चल के आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैं आपको पहले ही लिखवा देता हूं, ये जो है ये क्या चीजें, ये क्या चीजें, ये दोनों क्या चीजें, ये क्या चीजें और ये क्या चीजें, ठीक है। तो ये लीजिए बेटा इनके मतलब मैं लिखवा देता हूं। ये तो है किट, ये तो किट की कॉस्ट है, ये टेक्नोलॉजी की फीस है, ये दोनों रॉयल्टी का खर्चा है, ये इंडियन रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और ये असेंबली की कॉस्ट है, ठीक है। और बेटा ये सारे के सारे खर्चे मिलकर बन गए मेरी टोटल कॉस्ट, और मुझे पता है कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है 0.80 एक्स की, वो भी मैंने लिख दी। तो दोस्तों मैंने टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट के बराबर इक्वेट करके मैंने यहां पे अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर ली 43,000 और काम खत्म हो गया। बेटा मैंने 16,250 ₹150 रॉयल्टी इंडियन रॉ मटेरियल असेंबली कॉस्ट मैंने ये सारी चीजें ऊपर वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके बता रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है सर। तो ये लीजिए बेटा मेरी सेलिंग प्राइस पर पीसी आ गई है 43,000 रुपीस की, ठीक है। चलिए दोस्तों तो सवाल बहुत जोरदार था और मैं आपको बताऊं सवाल कितना जबरदस्त था, खर्चे क्या क्या लग रहे थे, डिसमेंटल्ड किट का पैसा लग रहा था और वो हमें एफओबी प्राइस के 50% पे मिल रहा है, साथ में कस्टम ड्यूटी, साथ में फ्रेट एंड इंश्योरेंस लग रहा है ₹500 का, और जो हमारी कस्टम ड्यूटी लग रही है वो सीआईएफ के 30% के बराबर लग रही है, जो टेक्नोलॉजी फीस है वो 3 करोड़ की लग रही है लेकिन 3 करोड़ की टेक्नोलॉजी फीस देकर मुझे 2 लाख कंप्यूटर बनाने का अधिकार मिल रहा है, रॉयल्टी का खर्चा मुझे देना है 10% लेकिन किसका, सेलिंग प्राइस में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स प्रोक्योर्ड इन इंडिया और प्लीज माइनस करना है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड किट फ्रॉम जेड को, तो बेटा वो मुझे यहां पे माइनस करना है। फिर उसके अलावा बेटा भारत में मटेरियल खरीदना है कितना, कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड का 140%, तो बेटा जेड ने जो सप्लाई बनाई उसे बनाने की जो कॉस्ट आई जेड की उसका 140% के बराबर हमने मटेरियल इंडिया में परचेस किया और जितना मटेरियल इंडिया में परचेस कर रहे हो उसके 48% के बराबर आपका 48% के बराबर आपकी इम्पोर्ट वो स्टैंडर्ड आइटम्स की कॉस्ट है और असेंबल करने का खर्चा तो डायरेक्टली दे ही रखा है ₹2,000 एक कंप्यूटर का, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैंने यहां पे पहले एक एक चीज को कैलकुलेट किया और उसके बाद में बेटा टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से इक्वेट करके मैंने यहां पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 43,000 निकाल दी। बहुत जोरदार क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ में एक और सवाल लूंगा और अब मैं आपके साथ में लेने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9। लीजिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग मेरे साथ में बिल्कुल ध्यान से पढ़िए।